प्रख्यात पेंटिंग मोनालिसा जिन्होंने बनाए थे वे थे लियोनार्डो दा विंची। उनकी हर एक पेंटिंग एक मास्टरपीस है, लेकिन उनका सबसे सफल और अजीब पेंटिंग जिसे माना जाता है वो है मोनालिसा का पेंटिंग। लेकिन मोनालिसा के बारे में बहुत ऐसे कुछ है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो अब तक सीक्रेट ही रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे सब सीक्रेट एक के बाद एक बाहर निकल रहा है। तो चलिए रहस्य लाइव में आज मैं रहस्य उद्घाटन करने वाला हूँ मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। मोनालिसा ये कौन थी? पेंटिंग में दिखने वाले ये औरत है मोनालिसा, लेकिन जी नहीं, इनके नाम मोनालिसा नहीं है। इनके नाम थे लीसा घेरार्देनी, जिनकी पति थे फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो, जिन्होंने ये काम शुरू करवाने के लिए कहा था। लियोनार्डो दा विंची जी ने ये पेंटिंग शुरू किए थे, बाद में ये पेंटिंग का नाम रखा गया था ला गियोकोंडो। लेकिन लीसा के पति इस पेंटिंग को मोनालिसा कह के पुकारते थे। मोनालिसा एक इटालियन शब्द है जिनका मीनिंग करे तो आता है माई लेडी लीसा। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो आप सब लोगों ने सुने ही होंगे, जो एक फ्रेंच शासक थे। वो चाहते थे कि मोनालिसा का ये पेंटिंग अपने बेडरूम में सजा के रखे, क्योंकि वो ये पेंटिंग देखने के बाद मोनालिसा को बहुत पसंद करने लगे थे। हालांकि बाद में ये नहीं हो पाया, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में छप के रह गया। मोनालिसा का असल पेंटिंग जो है उसके साइज आपको पता होगा? मैं आपको बताता हूँ, मोनालिसा का असल जो पेंटिंग है उसका साइज है सिर्फ 30 इंच बाई 21 इंच, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, और इनका वेट है 8 किलोग्राम। मोनालिसा के पेंटिंग करने के बाद जब ये पेंटिंग बहुत पॉपुलर हो गया, तब देश के बहुत सारे लोग मोनालिसा को चाहने लगे थे, और कुछ ऐसे भी है जो मोनालिसा को ना पाकर खुद के जान गंवाना अच्छा समझा। 1852 साल में एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूक मैस्पेरो। उन्होंने मोनालिसा की स्माइल देखने के बाद चैन से नहीं सो पा रहा था, तो इसलिए एक पार्सियन होटल के चौथे माले से छलांग लगाकर अपना जान गवा बैठा। इसके बाद 1910 साल में मोनालिसा का फैन उसे जिंदा देखना चाहता था, लेकिन तब बहुत देर हो चुका था और वो जानता था ये नामुमकिन है, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। इस पेंटिंग का मोल भाव कर ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि 1960 साल में इस पेंटिंग को अपनी जगह से बाहर ले जाया गया था और इस पेंटिंग को कुछ दिनों के लिए बाहर ही रखना था। तो तब इस पेंटिंग का जो इंश्योरेंस वैल्यूएशन था वो था सिर्फ 700 करोड़ रुपया, लेकिन ये इंश्योरेंस नहीं करवाया गया था, क्योंकि जो सिक्योरिटी इस पेंटिंग को दिया गया था और उसमें जो खर्चा आया वो उस इंश्योरेंस प्रीमियम के 1/4 था। जी हाँ, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम थे उसका 1/4 इंश्योरेंस वैल्यूएशन करने, तो आप सोच ही सकते हैं कि प्रीमियम कितना रहा होगा। इस पेंटिंग के ऊपर बहुत बार हमले भी किए गए। अभी जो मोनालिसा का पेंटिंग है उनके जो लेफ्ट आईब्रो है वहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्क। असल में 1956 में एक बोलिवियन आदमी ने मोनालिसा के पेंटिंग को चोट पहुंचाना चाहा, तो इसीलिए एक पत्थर वहाँ पर फेंका था, इसीलिए आईब्रो में आप वो स्क्रैच देख सकते हैं। कुछ ही महीनों बाद एक बंदे ने उस पेंटिंग पे एसिड फेंकना चाहा, जो पेंटिंग के लोअर सेक्शन में जाकर गिरा। बाद में वो बुलेट प्रूफ ग्लास से मरोड़ दिया गया। बहुत सारे लोग इसी धन में पड़ जाते हैं कि वो हंस रही है या नहीं हंस रही है। कभी कभार आपको लगता है कि उसका स्माइल शायद चेंज कर रहा होगा, लेकिन उनकी स्माइल है एक सैड स्माइल, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया है ज्यादा देर तक आप वहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो दोस्तों, आपको क्या ये सब पता था? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा लगा यह सुनकर। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके कमेंट का।